की और रशिया की, आप लोग रशिया से सुना है कि ऑयल लेने लगे हैं और सऊदीया जो है वो चाइना को देगा, तो मतलब ये सीधा सीधा आप लोग अमेरिका से पंगे नहीं ले रहे कि जी मतलब अमेरिका और रशिया का आपको हमेशा से पता है कि वो 36 का आंकड़ा जो बोला जाता है वो है, और आप लोग रशिया के साथ अपने टर्म्स जो है वो उस तरह से आगे लेके जा रहे हो। वैसे तो खराब तो दोस्तों आपने ये देखा छोटा सा वीडियो, आप समझ गए होंगे वीडियो का टॉपिक क्या है। आपको बता दूं कि रशिया से भारत खरीदेगा कच्चा तेल, जिसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ रही है वेस्टर्न कंट्रीज से, और स्पेशली अमेरिका, यूके जैसी कंट्रीज हमारे खिलाफ़ कुछ एक्शन ले सकती हैं। आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। अपने टर्म्स जो है वो उस तरह से आगे लेके जा रहे हैं। वैसे तो खैर आप लोग हथियार भी लेते हैं उनसे, लेकिन जी अब जो ये ऑयल की बात हो रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आरजू जी, ये ऑन अ सीरियस नोट आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इसमें काफी कंफ्यूजन है क्या। अब लोग इसको देख रहे हैं यूक्रेन की वॉर के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको याद हो, जब पुतिन साहब यहाँ आए थे तब हमने इस पर डिस्कस किया था, तब हमारे 29 एमओयूज हुए थे। उनमें पहली बार एक एमओयू, उस दिन मैंने आपको बोला था, हुआ था ऑयल पे, और इंडियन ऑयल ने एमओयू किया था एक रशियन कंपनी से। तो ऑयल लेने की कवायद तब शुरू होती है जब पुतिन साहब यहाँ आते हैं। ये यूक्रेन की लड़ाई वड़ाई है, अमेरिकन अमेरिकन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप अब यूएसएसआर की इकोनॉमी को देखें आरजू जी, उसके दो पिलर है। देखिए पहली बात, रशिया जो है केवल 14 करोड़ की आबादी है, 1.4 ट्रिलियन का जीडीपी है। अभी पुतिन के पास 630 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दूसरी जो बहुत ज्यादा होता है इस आबादी, और उनके पास इतना मिनरल और वेल्थ है कि रिचेस्ट मिनरल वेल्थ है रशिया में, तेल अपना। तेल की एक प्रॉब्लम है रशिया की, जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो टेक्नोलॉजी काफी पुरानी, उन्हें कहते हैं वो जो रिफाइनरीज होते हैं उन्हें टी कैटल्स कहते हैं, बहुत पुराने स्टाइल की रिफाइनरीज है उनके। जैसे अमेरिकन का हेलीबर्टन का ले ले या अमेरिकन कंपनीज का ले ले शेल का, वैसे उनका ऑयल एक्सक्रूशन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो उनका कोई प्राथमिकता नहीं रही है। अब इनकी जीडीपी चलती है हथियार बेच के और तेल बेच के। मैं हमेशा से अपने गवर्नमेंट पे, यहाँ नेशनल टीवी पे काफी डिबेटों में कहता रहा, यार आप पुतिन को आप हथियार और तेल की गारंटी, तो वो आपसे दोस्ती करता रहेगा। तो ये मैंने काफी, मैंने कहा हम पुतिन से तेल क्यों नहीं लेते, हम दुनिया भर से तेल लेते हैं। अभी परिस्थिति है अर्जु जी, 85% 85% हम तेल इम्पोर्ट करते हैं, जबकि हम हर साल 3 से 5 कुएं खोद देते हैं। एक कुआ खोदने में मोटा मोटा, नॉट गेटिंग इन टेक्निकलिटीज, एक कुआ खोदने में 300 से 500 करोड़ लगते हैं। तेल निकला, निकला नहीं निकला, नहीं निकला, पर एवरेज है कि अगर 5 में से 1 आध में भी निकल जाता है तो सारा खर्चा पानी निकल जाता है। हम भी अपना तेल ढूंढ रहे हैं, बट हकीकत यह, चाइना के बाद वी आर द नंबर 2 एनर्जी इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इस इक्वेशन में करीब 1 साल पहले जाए, 1 साल पहले नंबर 1 सप्लायर था सऊदी अरबिया, ठीक है जी। धीरे धीरे इक्वेशन बदलती गई, आज नंबर 1 सप्लायर है यूएसए। यूएसए इज नाउ ऑयल सरप्लस, ऑयल एक्सपोर्ट करता है। नंबर 2 नाइजीरिया है, नंबर 3 ये थोड़ा आगे पीछे चलते रहते, नंबर 3 इराक है, नंबर 4 स्टेज पे आ गया है सऊदी अरब। अब जो यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर, उनका ये कहना होता है भाई आप हमसे कुछ और चीजें ले लो। अब जब आप ऑयल किसी से लेते हो तो आपको अपनी रिफाइनरी के स्टैंडर्ड्स, कुछ मशीनरी या कुछ जो इक्विपमेंट होता है उनको अपग्रेड करना पड़ता है। हर क्रूड हर जगह का सेम नहीं होता, तो अगर आप अमेरिकन क्रूड लेंगे तो कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट से क्रूड आता रहा वो सालों से आता रहा, तो उसका हर एक के पास टेस्ट करना। पीछे रिलायंस ने अपग्रेड की थी अपनी रिफाइनरी फॉर अमेरिकन, तो काफी लोगों ने कर ली। अब जो इंडियन ऑयल, आप जानते हैं इंडियन ऑयल इज अ गवर्नमेंट रन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंड की, जब वो करती है तो अब पीछे जो टाइम था वो लगा भाई ये सब हिसाब किताब बिठाने का, जो चेंजेस वेंजेस मशीनरी में करने के। अभी एडवांटेज क्या हमें मिला, अभी एडवांटेज दूसरा मिला, रशिया ने कहा यार मैं आपको ना अभी जो आपको पता होगा यूक्रेन के वॉर के बाद प्राइस बढ़ा है क्रूड का, तो अब उन्होंने बोला यार हम आपको बाजार के रेट पे देंगे, डिस्काउंट पे भी देंगे। दूसरा आपको याद होगा 2 महीने पहले हमने बात की थी कि सडनली 22% क्रूड का प्राइस गिरा था, तब चाइना, अमेरिका और इंडिया ने 5% रिजर्व निकाल दिया था, क्योंकि एमबीएस जो है सऊदी अरबिया वाले, उन्होंने बोला यार मैं और तेल नहीं निकालूंगा, मैं आई वॉन्ट, कह रहे मुझे जो बाइडन से बिटिंग करा तब मैं डिसाइड करूंगा क्या करूंगा। तब 22% क्रूड के प्राइस गिर गए थे वर्ल्ड, बिकॉज रिजर्व सब तीनों बड़ी कंट्रियों ने रिजर्व रिलीज किया, तो एमबीएस थोड़ा हिल गए थे यार ये क्या हुआ, मतलब मैं कैसे, इन्होंने कहा भाई ये वैसे तो इनके आपस में बनती नहीं, ये कहां से बन गई। तो फिर ये यूक्रेन वाला मसला हो गया, यूक्रेन वाले मसले में तेल फिर बढ़ गया। अब रशिया आता है इसमें, कहता है कि भाई मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। अब यहाँ मुद्दे की बात ये है आरजू जी, जो रशियन तेल होगा जो अभी हमने जिसके जिस लेवल की बात करें, इट्स केवल 1.5%,
इम्पोर्टेंट थिंग इज केवल 1.5% जितना हम इम्पोर्ट करेंगे उसका 1.5% अभी रशिया से आएगा। बट मजे की बात यह है कि अगर आज 1.5 है कल को ये 15 भी हो सकता है 30 भी, तो एक नई कवायद उर्दू में जो कहते हैं नई कवायद शुरू। अब रशिया को हम, अब अमेरिका ने हमारा काम थोड़ा और आसान कर दिया, पहले उनको स्विफ्ट रूप से निकाल दे तो अब रशिया से हम लोकल करेंसी में भी डील कर सकते हैं, पहले भी रुपी ट्रेडिंग करते थे, रुपी ट्रेडिंग में हमें बहुत फायदा है तेल लेने से। मैम ने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि स्विफ्ट से रशिया को हटाने का मतलब है आप उसको चाइना से पास ला रहे हो। अब चाइना, अब कुछ लोग कहते हैं कि अब जैसे लास्ट टाइम मैं आपकी पाकिस्तान के एक चैनल पे था, उन्होंने बोला कि भाई आप डील कैसे करेंगे अगर आपको 20 बिलियन का मान लीजिए बिजनेस हमारा रशिया का था। मैं को बोलेगा ठीक है जी 5 बिलियन रुपयों में दे दो, 2 बिलियन डॉलर में दे दो, 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर में दे दो, 1 बिलियन कैनेडियन डॉलर में दे दो, ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं क्योंकि पूरा रुपी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ये सब चीजें हम, हमारे पास विकल्प है और हम पहले भी रशिया के साथ रुपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब ये जो एक नई शुरुआत हुई, अब इसमें अमेरिका में थोड़ा हड़कंप इसलिए मच गया कि रशिया के पास क्रूड बहुत है, आपने लगा दिया उस पर सैंक्शन, रशिया का आपने मार्केट कर दिया बंद। अब कितने लोग ले सकते तेल, हम लेंगे, चाइना लेगा, एक आध कंट्री और लेगी, और तो कोई लेगा नहीं। और तेल के दो ही बड़े इंपोर्टर है या चाइना, चाइना ने पर आपको याद होगा ईरान के साथ एक 500 बिलियन डॉलर का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा तेल का, तो चाइना की काफी तेल वहां से आ जाता है। अब ये जब इक्वेशन बनी तो सऊदी अरब भी परेशान, ये अपना इराक भी थोड़ा परेशान, नाइजीरिया भी परेशान और यूएसए भी परेशान, कहते यार अगर आज चलो आज 1.5% है कल को 10-15% पहुंच गया तो किसी न किसी का धंधा तो हिलेगा ना, बिजनेस तो, और आप जानते ऑयल इज मनी, ब्लैक गोल्ड कहते हैं ऑयल को, तो इसीलिए अमेरिकन भी परेशान है। और पुतिन को क्या लग रहा कि ठीक है यार मेरे तेल की एक सेट मार्केट है, हथियार हमारा 60% आर्सेनल अब भी चाइनीज, सॉरी अब भी रशियन है, इसमें कोई डाउट नहीं, सारी दुनिया को पता, तो वेपन वाइज वी हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन रशिया और बाकी चीजों पर भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर अब तेल भी आता तो एक रिलेशन को नई लेवल पे ले जाता, और जितना रशिया के साथ तेल बढ़ेगा कोई ना कोई डिस्टर्ब होगा, किसी ना किसी का हिस्सा घटेगा। अब जो आपका सबसे बड़ा सप्लायर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसको लग रहा है यार अब सबसे ज्यादा तो मेरा ही घटेगा क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर मेरा है, और भाई काम तो आप ही ने कर दिया, आप ही ने रशिया को स्क्रिप्ट से निकाल दिया, रशिया की मार्केट सिमट गई, रशिया ने हमें डिस्काउंट दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ बाकियों को भी डिस्काउंट देना चाहिए भाई, अगर अमेरिका सऊदीज हो, नाइजीरिया वाले हो, इराक वाले, सबको डिस्काउंट देना चाहिए। देखिए ओपन मार्केट है, अगर हम सबसे नंबर 2 इंपोर्टर है चाइना के बाद तो आप हमें डिस्काउंट दें, आप कोई डील दें हम आपसे भी लेते रहेंगे। पर अब ये रशिया के साथ कहने का पॉइंट ये आरजू जी जो इसमें मिसकंसेप्शन हो रहा है यूक्रेन वॉर से मिला के देख रहे हैं, ये तब कवायद हुई थी, ये एमओयू तब साइन हुआ था जब पुतिन साहब आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तान की आरजू काजमी और भारत के सुमित पीर बात कर रहे थे, रशियन क्रूड ऑयल मिलेगा इंडिया को सस्ते दाम में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो अभी इंटरनेशनली का दाम चल रहा है क्रूड ऑयल का, तो ये हमारे लिए तो एक प्रकार से अच्छी बात है क्योंकि क्रूड ऑयल के जो रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल और बहुत सारी अनाज, बहुत सारी चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसका इफ़ेक्ट इंडिया की पब्लिक क्यों झेले। अगर इसका कोई हमें ऑप्शन मिलता है, हमारी जो जनता को रिलीफ मिलता है अगर हमें रशिया सस्ता तेल देता है, तो हमें डेफिनेटली ये खरीदना चाहिए, भले अमेरिका कुछ कहे या इंग्लैंड कुछ कहे। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका भारत एलाइज है, क्वाड, बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका और भारत जुड़े हुए हैं, तो रशिया के साथ अगर हम ये फैसला ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। और जो ये आलोचना कर रहे हैं वो आप देख भी रहे हैं इंटरनेशनली अगर आप मीडिया फॉलो करते हैं तो। तो दोस्तों अगर आप देखें रशिया ने भारत से भी कुछ चीज़ें लेना शुरू कर दिया क्योंकि रशिया पर पाबंदी लगी हुई है, रशिया ने भारत से हाल ही में अभी मैंने देखा मेडिसिन वगैरह रशिया भारत से लेगा क्योंकि अमेरिका से जो मेडिसिन आती थी उस पर भी पाबंदियां लग गई हैं। तो इस तरीके से भारत को भी कुछ फ़ायदा होगा और भारत को देना चाहिए भाई। अगर आप सोचें ना, भारत कोई इतना बहुत बड़ा अमीर देश तो है नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अगर आप अमेरिका हैं, आप इंग्लैंड हैं, तो आप ये पाबंदियाँ झेल सकते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत जैसे देश जहाँ की इतनी बड़ी आबादी है, आप यूरोप में युद्ध चल रहा है, भारत पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो भारत उस इफेक्ट को कम करेगा किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से, चाहे किसी से भी हमें रिश्ते जोड़ने पड़े। तो ये हमें, मेरे ख्याल से तो ये डिसीजन सही है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।